मैं श्रीमती रत्ना साहू, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कैंपन। शिक्षण सहायक सामग्री की जब बात होती है तो उसके बिना शिक्षण अधूरा होता है, चाहे अवलोकन की बात हो या गणना की बात हो। जब तक हम किसी चीज़ को, सिद्धांत को नहीं समझते हैं और बेहतर रूप में नहीं समझ पाते हैं तो वो ज्ञान हमारा अधूरा होता है। और इसी क्रम में जब हम छोटी कक्षा में बच्चों की बातचीत करते हैं कि तत्व क्या होता है, परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है, तो बच्चे समझते तो हैं पर शायद समग्र रूप में नहीं समझ पाते। और इसी के लिए मैं एक TLM मैंने बनाया है, और इस TLM में मैंने तत्वों की बच्चे छोटी कक्षा से पहचान करते हुए आए हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है, हाइड्रोजन का H होता है, उसी प्रकार नाइट्रोजन का जो होता है वो N होता है, और ये संकेत से बच्चे परिचित हैं। पर जब ये परमाणु की बात हो गई, हम परमाणु के रूप में इनको समझाते हैं, परंतु जब अणु बनाने की बात हुई तो हम पूछते हैं कि अणु का सूत्र क्या होता है, तो अणु का सूत्र O2 होता है। O2 का मतलब दो ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, और ये ऑक्सीजन मिलकर आपको O2 बन गया, अणु बन गया। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम पानी की बात करें कि हमें पानी का सूत्र क्या होता है, तो पानी का सूत्र जो होता है H2O होता है। तो H2O बच्चों को बनाने के लिए कहा जाता है कि इसमें दो हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है और एक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये बच्चे निकाल कर और ऐसा बताते हैं कि ये यौगिक बन गया, और यौगिक के डब्बे में डालते हैं, और यह जो होता है वो एक उनको एक स्टार उनको प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से हम यौगिक निर्माण की बात बच्चों को समझाते हैं। फिर हम मोल गणना की बात करते हैं। मोल संकल्पना की जब हम बात करते हैं, बच्चे मोल को नहीं समझ पाते। वह परमाणु संख्या को तो जानते हैं पर परमाणु नंबर को नहीं समझ पाते और मोल की गणना नहीं कर पाते। तो हम बच्चों को उनको यह याद करने के लिए बोलते हैं, ऐसा हम 3 बाउल 4 बाउल लेकर अलग अलग में हम बॉल को रखते हैं और उनको बताते हैं या उनका परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु है, नाइट्रोजन का परमाणु है और सल्फर का परमाणु है। अब यदि हमें निकालना है, गणना करना है, तो हम कैसे गणना करें? जैसे पानी का यदि हमें मोल की गणना करना है तो हम 2 हाइड्रोजन लेंगे और 1 ऑक्सीजन लेंगे। अब हम देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मोल मॉलिक्यूल्स कितना है या परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो ये 2 हो गया। उसके बाद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक इसका ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16 हो गया। तो 16 और 2 कितना हो गया, 18। और इस प्रकार बच्चे जो होते हैं ये बताते हैं कि पानी का जो मोल द्रव्यमान है हम निकालते हैं, यौगिक का मोल की गणना करते हैं, वह लगभग 18 होता है। तो ये बच्चों को समझने के लिए आसान होता है। ये बात हमने किया कि परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और मोल की गणना हम कैसे करें। छोटे बच्चे 9th के लिए यह बहुत ज्यादा उपयोगी है। फिर हम यदि बात करें कि जब हम द्रव्यमान निकालने की बात करते हैं तो द्रव्यमान में सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हवा की बात करते हैं, तो क्या हवा में द्रव्यमान होता है? एक लंबी स्केल लेते हैं, ये 30 सेंटीमीटर की होती है। ठीक 15 सेंटीमीटर में हम उसको सेंटर से पकड़ते हैं, एक तरफ हम बिना हवा का बैलून लगाते हैं, दूसरी तरफ हम हवा भरा बैलून लगाते हैं, और जब हम उसको सेंटर से पकड़ते हैं तो आप देखेंगे कि यह स्केल जो होता है वह संतुलित नहीं रहता, वह एक ओर जो होता है झुक जाता है। जिस तरफ फूला हुआ बैलून लगा हुआ है उससे यह भी पता चल जाता है बच्चों को कि हवा में द्रव्यमान होता है। फिर हम पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरण के लिए मैंने एक नेचर किट बनाया है, और नेचर किट में हम बहुत सारी बातें करते हैं। वाष्पो उत्सर्जन, यदि सजीव की बात करें तो वाष्पो उत्सर्जन की बात करते हैं। बच्चे बोलते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है, तो इसको प्रयोग करके हम बताते हैं कि बच्चे अपने अपने घर के पौधों में एक पॉलीथीन बांध दें और पॉलीथीन को रोज देखें। आप देखेंगे कि इसमें वाष्प की मात्रा, प्रकाश संश्लेषण तो हो रहा है और प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाला जो पानी है वह धीरे धीरे इस पॉलीथीन में इकट्ठा होता जाता है, और उससे पता चलता है बच्चों को कि वाष्पो उत्सर्जन।
क्या होता है और कैसे होता है। फिर हम बात करते हैं श्वसन की, इसी क्रम में हम श्वसन की बात करते हैं। तो सामान्यतः लोगों की, बच्चों की धारणा होती है कि भाई सजीव है तो क्या सूखा चना भी सजीव है, क्या उसमें भी श्वसन होता है कि सिर्फ गीले चने में होता है, क्योंकि गीला चना जो होता है वो अंकुरित होता है पर सूखा चना तो अंकुरित नहीं होता। तो अंकुरित नहीं होता तो क्या उसमें जैविक क्रियाएं नहीं होती है। यह बताने के लिए मैंने दो प्रकार के बीज लिया है, एक जो मैंने सूखा चना लिया है और इसमें मैंने गीला चना लिया है। दो दिन के बाद हमने देखा है कि इसमें हवा तो आया है पर हवा की मात्रा जो गैस है वह हवा कम भरी है, परंतु इसमें जो है ज्यादा भरी हुई, मतलब गीले चनों में श्वसन की क्रिया अधिक होती है, अधिक तेजी से होती है सूखे चने की तुलना में, पर सूखे चने में भी श्वसन की क्रिया होती है। इसी प्रकार हमने दूसरे बीज का भी इस्तेमाल किया है और इसको भी हमने एक को गीला रखा है और दूसरे को सूखा रखा है और इस प्रयोग को बच्चे अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। अब हम प्रकृति की किट की जब बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमें बायोडायवर्सिटी समझना आवश्यक है और बायोडायवर्सिटी को समझने के लिए हमने ऐसा चार्ट बताते हैं और उस चार्ट में अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में और वहां की प्रकृति वातावरण के बारे में यह जानकारी बच्चों को चार्ट की मदद से देते हैं। इसके अलावा हम सबसे पहले पौधों की विधि हम बात करते हैं। तो पौधों में ये क्लिनोमीटर बनाया है और ये बहुत आसानी से हम घर में बना सकते हैं। ये मैंने स्ट्रॉ पाइप लगाया है और इस प्रकार से रेखा चित्र बच्चे बना सकते हैं और यह आपका ये स्केल बना लिया है और यहाँ पर एक आपने वॉशर लगाया है, वॉशर को आपने एक धागे से लटका दिया है और इस प्रकार पीछे हमने टेबल ऐसा लगा देते हैं, टेबल बना दिया है कि कितना डिग्री का कितना कैलकुलेशन है, उसकी हाइट कितनी होगी, कितने एंगल पर कितना हाइट होगा और ये हम पेड़ की लंबाई नापने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पेड़ की लंबाई नापने के लिए हम स्केल का भी सहारा ले सकते हैं कि पेड़ कितना लंबा है, उसका हम गणना इससे हम कर सकते हैं। इसके बाद इसके हार्बेरियम बनाना, प्रेस करना, कैसे प्रेस किया जाता है इसको भी हम बच्चों को हार्बेरियम प्रेस की सहायता से सिखाते हैं। जब बच्चों को हमने राज्य पक्षियों के बारे में भी जानकारी देते हैं कि राज्य पक्षी जो होते हैं अलग अलग राज्यों में कौन कौन से पक्षी को राज्य पक्षी माना गया है, यह जानकारी भी दिया जाता है। पेड़ की छाल जमा की जाती है, पेड़ की छाल को जमा करके पेड़ की आयु ज्ञात करना, हम कैलकुलेट करना बताते हैं बच्चों को और बहुत सारे हम खेल खेल की मदद से भी हम जानकारी बच्चों को देते हैं। इस प्रकार जैसा लिखा है कि इसमें कौन सा पक्षी विलुप्त हो गया है, तीन ऑप्शन दिया है, बच्चों को जानकारी है तो टिक मार्क लगाएगा और नहीं तो ये ऑप्शन विंडो खोलकर आपको देखेगा कि यहाँ पर सही आंसर क्या है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाते हैं, उसके ऑप्शन देते हैं और ये बच्चे अपना विंडो खोलकर वह उसका सही उत्तर देता है। इसी प्रकार हम हवा किन कारणों से है, हवा का कंपोजिशन बताना है तो यह भी खेल की मदद से हम अलग अलग तरीके से बच्चों को बताते हैं। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो खाद्य श्रृंखला का अपना महत्व होता है। यदि खाद्य श्रृंखला की बात करें तो हम इस प्रकार का जो ग्रामीण क्षेत्र का या किसी भी एक शहरी में स्लम एरिया का ऐसे फोटोग्राफ हम अलग अलग टाइप की कटिंग करते हैं और उसमें हम एक दूसरे का संबंध बताते हैं कि किसी पक्षी या पशु का दूसरे पक्षी पशु से क्या संबंध है या दूसरे जीव से क्या संबंध है या पेड़ों पर कितने जीव निर्भर करते हैं, इसकी जानकारी भी हम देते हैं। फिर जंतुओं के पद चिन्ह के आधार पर जंतुओं की पहचान करना उनको बताया जाता है। इसी प्रकार यह एक श्रृंखला, हमने पहले खाद्य जाल बनाना बताया था और खाद्य श्रृंखला बनाना भी बताया था
कि भाई पर्यावरण की बात हम जब कर रहे हैं तो परितंत्र का अपना महत्व होता है, और परितंत्र में उत्पादक कौन सा होता है, यदि उत्पादक है तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा, द्वितीय उपभोक्ता कौन होगा, तृतीय उपभोक्ता कौन होगा, और अंत में अपघटन का क्या महत्व है यह बताया जाता है। अब यदि हम कुछ एक और हमने भौतिक शास्त्र की बात करें तो इसमें ब्रह्मांड की हमने बात बच्चों को बहुत बताने की कोशिश किया है। जैसे सूर्य ग्रहण की बात होती है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है ये बताया है, चंद्र ग्रहण के बारे में बताया जाता है, और इसके लिए हम एक खेल की मदद से यह दो मोबाइल का उपयोग करके और एक को हमने डार्क करते हैं, चांद बनाते हैं, और एक को सूरज बनाकर ये बच्चे खेल खेल में अपना ग्रहण अलग अलग परिस्थितियों में ग्रहण कैसे होता है और कब होता है यह समझाया जाता है। बच्चों को खेल खेल में धूप घड़ी बनाना बताया जाता है कि धूप घड़ी वो कैसे बनाए। तारों को देखने के लिए इस प्रकार का ब्लैक शीट को छिद्र करके हमने बनाया है। ये इसके साथ में ही अब यदि हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन मेरा लेजर लाइट यदि हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो परावर्तन के लिए हम बहुत सिंपल लेजर लाइट की मदद से हम प्रकाश के परावर्तन को दिखा सकते हैं, और बच्चे बहुत इंजॉय कर सकते हैं। खेल खेल में सीखने, जॉय ऑफ लर्निंग की बात हम कर सकते हैं कि बच्चों को कि कैसे आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो किस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, कौन सी अवस्था में क्रांतिक कोण बनता है और अपवर्तन क्या होता है, इन तमाम सारी बातों को हम लेजर लाइट की मदद से हम बता सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, थैंक यू।